ये देखिए चूल्हे की फूली फूली रोटियां। तो ये हैं मोटे मोटे आड़ू जो कि चिड़ियों ने खा के बुरे हाल कर दिए इनके। तो थोड़ा हिंसर और थोड़ा सैतूत मैंने निकाल दिए। इस बाड़ी का कॉन्फिडेंस बाहर आ चुके। आप वो मत खिलाना बड़ा जी डांड मुझसे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव चोपड़ियाल गांव से। और यहां पे आपको थोड़ा कुछ चेंजेस नज़र आ रहे होंगे। यहां पे जो टंकी थी हमने वो पीछे रख दी थी, तो जिस वजह से अभी हमारा उखलियार है, जो खलियान है, वो पूरी तरीके से खाली हो चुका है और अब थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो हमें जौ और गेहूँ कूटने में आसानी होगी। नहीं तो एकदम बीच में रखा था तो थोड़ा अटपटा सा लगता था। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो मेरा नाम अंकुश, मेरे गांव का नाम है चोपड़ियाल गांव, जो पड़ता है टीरगढ़ जिले के चंबा ब्लॉक में और यह है उत्तराखंड में। तो सुबह के लगभग अभी 7 बज रहे हैं और आज का ब्लॉग मैं थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि जल्दी उठ गया था। और ये आप मेरा हाथ देख रहे होंगे, तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा मेरा हाथ कटा था, जो कि अब थोड़ा ठीक हो चुका है लेकिन अभी भी दर्द हो रहा है इसमें, इसलिए मैंने कल पट्टी मारी थी और पट्टी निकालने के बाद अब थोड़ा कपड़ा लगा रखा है। सुबह सुबह सूर्यदेव भी आ चुके हैं और सुबह सुबह की जो धूप है अब इस साइड से आती है और जैसे जैसे अब सर्दियाँ होंगी उस साइड चला जाता है और सर्दियों में दूसरी साइड से आता है और इस साइड इधर से आता है गर्मियों में। तो मम्मी भी अब खेतों में गई है, देखता हूँ ऊपर जाके मम्मी क्या क्या कर रही है। जैसे जैसे अब गर्मियाँ बढ़ रही है वैसे वैसे अंदर की रसोई बाहर आ चुकी है, यानी कि अब रोटियाँ भी बाहर में बन रही है क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो दादी और बहन और एक यहाँ अंदर लगे है, यहाँ भी कुछ बन रहा है। तो यहाँ पे अभी खाना बन रहा है सुबह सुबह। और ये देखिए चूल्हे की फूली फूली रोटियाँ। एक ज़माना था जब दादी खिलाती थी हमको ऐसे बैठ के, हम स्कूल जाया करते थे और दादी गर्मा गर्म फूली फूली रोटी खिलाती थी। हाँ वो तो ऐसे मोटी रहती थी कि बस एक ही खाओ तो इंसान का पेट ऐसे ही भर जाए। तो वो भी दिन थे और अब के दिन भी है जब पतली रोटी खाने को मिलती। हाँ पहले तो वैसे बनती थी, और गर्मियाँ शुरू होती हैं और इस साइड धूप ही नहीं आती, मतलब बाद में आती है 9-10 बजे और इस टाइम सर्दियों में उस साइड आ जाती है देखिए सबसे पहले। तो कुछ ऐसा होता है मौसम में भी परिवर्तन। तो मैं सोच रहा था मम्मी सुबह सुबह कहाँ चली गई, तो मम्मी पीछे खेत में मटर तोड़ने आई थी और मटर तो हो नहीं रहे इस साल उतने ज़्यादा खास, लेकिन जैसा भी थोड़ा बहुत हो रहा है। ये आड़ू का पेड़ था ये भी थोड़ा सूख ही चुका है इस साल, नहीं तो पिछले साल इस पर बहुत आड़ू आए थे। इस साल देखिए थोड़ा गिने चुने आ रखे हैं बस। तो ये हैं मोटे मोटे आड़ू जो कि चिड़ियों ने खा के बुरे हाल कर दिए इनके। तो ये ताज़ी मटर इतनी मीठी हो रही है ना, मम्मी भी तोड़ ही रही है इनको और मैं चलता हूँ नीचे क्योंकि और काम भी है, एक ही काम नहीं कर सकते हम दिन भर, 50 काम होते। देखिए मैंने जो अपने घर के गेट में फूल लगाए थे ना, उनमें क्या प्यारे प्यारे गुलाब के फूल आ चुके। तो दोस्तों मैं खेत में गया था, वहाँ पर मैंने गोबर खोद दिया है और गोबर खोदने के लिए आया था और गोबर खोदते खोदते मुझे यहाँ काफल का पेड़ दिखा। उससे पहले स्कूल के बच्चे भी स्कूल जा रहे थे और आज बसें भी बहुत चल रही हैं, गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं, उसके साथ साथ मुझे काफल मिल चुके हैं। देखिए 4 दानी काफल मिली मुझे और कुछ इस तरीके से, देखिए खाली काफल 2 निकाली, एक वो इंसान था जिसने तिल की दानी बांटी थी, बल मैंने सुनने में आया। सर्दी नहीं जानते ना, मैंने इंसर खाए नहीं, मैं ये कह रही हिंसा नहीं दी, मैं हिंसर के लिए गया था बीच में, लेकिन हुआ क्या था उस दिन आते 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 मैं मांग लिए थे, आते आते घर मैंने खुद तक नहीं देखे वो हिंसर कहाँ गए। जैसे जैसे अब गर्मियों के दिन शुरू होते हैं ना, कामों में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है हमारे ऊपर। सबसे मेन प्रॉब्लम तो पानी की है, लेकिन पानी ऐसा है कि अब घर घरों में नल लग चुके हैं तो कभी कभी आ जाता है, मतलब कभी 10 दिन में, कभी 1 हफ्ते में, कभी 2 दिन बाद ऐसे आ जाते हैं। तो आजकल जो पानी आया वो लगभग 12-13 दिन हो चुके हैं लेकिन घर में पानी नहीं आया, इसीलिए हमारी टंकी भी खाली हो चुकी है और काम भी शायद ज़्यादा बढ़ने वाले हैं इस साल क्योंकि मेन प्रॉब्लम पानी की हो चुकी है। और जब तक पानी नहीं रहेगा तब तक कुछ भी काम नहीं होते हमारे, पूरे हर काम में पानी बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अब और काम करते हैं, पहले नाश्ता खाते हैं। बड़ी भी राशन लेके आ चुकी है, दौड़ते तुम्हारे दिखे नहीं, पिंडा इतना भारी है कि सारी नहीं दिख रहा बॉडी का।
और अभी मैं जा रहा हूँ पानी के लिए हेडपम्प में, क्योंकि टंकी में नहीं आ रहा नीचे, तो हेडपम्प में जाना पड़ रहा है। तो पानी लेके आते हैं ऊपर दादी के लिए और फिर अपना काम करें। तो लगभग सुबह के 11 बज रहे हैं और मम्मी तो घर में नहीं है। खैर, हमने जौ डाले थे ना सुखाने के लिए, आज तो धूप भी नहीं है अच्छी खासी, ऊपर आसमान में पूरे बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं और इधर भी हैं और इधर भी हैं। तो सोच रहे हैं आज इनको कंप्लीट ही कर दें जौ की कुटाई। तो थोड़ी देर में मैं इनको कूटूंगा, फिलहाल मम्मी भी आ जाएगी। और मैं नीचे जा रहा था अपने घर के आगे, वो जो सामने आपको जगह दिख रही है ना कार के जस्ट पीछे, तो वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। वहाँ पर लगे शहतूत, शायद से पक चुके होंगे, परसों देखे थे मैंने। तो घर लाएंगे, उनको खाएंगे और चलते ज़रा नीचे देखते हैं वहाँ पे है कि नहीं। अभी नीचे जाते जाते मुझे यहाँ पे गोबली मिल चुकी है। तो एक कांटे का एक पेड़ होता है जिसमें कि ये टहनी लगी होती है और इस टहनी को खाते हैं। दोस्तों इसमें शहतूत तो लगे हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे हैं, जिसकी वजह से अभी ढंग से पके नहीं है। तो जितने भी होते हैं इनको निकालता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे मुझे हिंसर भी दिख चुकी है, साथ में ही लगे हैं हिंसर भी। तो ये देखिए, ये हिंसर लगी है और ये रहे शहतूत। तो थोड़ा हिंसर और थोड़ा शहतूत मैंने निकाल दिए। ये शहतूत थोड़ा छोटे साइज के, क्योंकि साइज से मुझे लग रहा है पहले साल अभी आ रहे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा छोटे। तो अभी इनको लेकर घर चलते हैं। गर्मियों का महीना ऐसा होता ना, हर जगह कुछ ना कुछ खाने वाली चीज़ मिलती रहती है, जंगलों में भी और घर में भी। घर में तो ऐसे कि फल फ्रूट लगना शुरू हो चुके हैं और जंगलों में भी कुछ इस तरीके के हिंसर हो गया, काली हिंसर हो गया, बहुत सारी चीज़ें, काफल हो गया। अभी काफल लगने शुरू नहीं हुए तो वो भी हो जाएंगे, लग तो रखे लेकिन अभी पकना शुरू नहीं हुए, तो वो भी जल्द पकेंगे। फिलहाल मैं इनको खाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा मीठी हो रही है। मम्मी अब आ रही है नीचे मीटिंग से और धूप भी अभी बहुत तेज थी, देखिए बोलते बोलते बादल आ गए सामने और ये भी करारे हो चुके हैं। तो अब हम खाना खाते, पहले लंच करते हैं। धूप आ रही है, जा रही है और आंखें भी नहीं खुल रही इस धूप में। तो अब फिर इनकी कुटाई होगी, पहले पेट पूजा करते हैं। तो मम्मी ने सारे जौ इकट्ठे कर दिए हैं, अब इनको कूटने का टाइम आ चुका है। और यहाँ पे बड़ी आई हैं कूटने के लिए हमारे साथ दिल्ली से है? कुटने तो मना मार गए हैं। धूप बहुत तेज है आज, ये भी एकदम करारे हो चुके हैं। ये देखिए, एक जमाना था जब बड़ी भी भारी लाती थी जौ के, और एक अब जमाने जब एक मुठ भी नहीं उठा था। ये जमाना आ गया। तो इनकी कूटते हैं, बारी ला फटाफट। कोई नहीं, जख भी रहा दो जगह फिट। गढ़वाली बड़ी कौन दिल्ली रहना गढ़वाली फिर गांव के लिए। अब इनको कूटते फटाफट और फिर एक नींद निकाल के आराम, क्योंकि सोना भी जरूरी है, इससे गर्मी में बहुत नींद लगती है। दिन ये देखो तमाम से देख रहे हैं, ऐसा मिट्टी है मदद करने में। मम्मी भी ला चुके चुन्नी सर पे बांधने के लिए, क्योंकि धूप लगती बहुत है। इसको बांधेंगे पहाड़ी स्टाइल में और फिर करेंगे काम। बट कूट नहीं रही, चलो कोई बात नहीं, बड़ी का कॉन्फिडेंस बाहर आ चुके। आप वो मत खिलाना बड़ा जी डांड मुझसे वीडियो के चक्कर में आपका मर दर्द ना हो जाए आपका। ये देखो बड़ी का जोर जोर से कूट रहे, अपना सारा वेट लॉस्ट करके यहीं से जाते हो शायद दिल्ली। और ये देखो मौसम साफ और कड़कड़ाती धूप है, कभी जमाने। हाँ ये तो है, हाँ ये खेतों के नाम बता रहे सर, सब कुछ लाते थे लेकिन आपके जमाने ही ऐसा हो गया, तो क्या करे। जो अभी मैंने कंप्लीट कर दिया कूट के,
और इनमें सबसे ज़्यादा डर रहता है ये इसमें सीख जैसे रहते हैं ना, जो चुभते बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं इनसे कम ही दूर रह रहा हूँ। तो मम्मी का काम है अब इसको झंग जाना, गढ़वाल में झंग जाना बोलते हैं, यानी कि इससे जो बड़ा बड़ा कबाड़ है वो अलग करना है। और मैं तो अब अंदर जाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग गई, आगे का काम अब मम्मी चले करेगी। और वो सुप्पा है ना, जो पहले तो मिट्टी के सुप्पे होते थे लेकिन अब ऐसे सुप्पे ला रखी है मम्मी ने, तो इनमें ऐसे ऊपर हवा में रख के ऐसे ऐसे करती है जिससे कि जो हल्का वाला भूसा रहता है उड़ जाता है और जो भारी भारी से जौ रहेंगे वो यहीं पर रहेंगे। तो इस तरीके से हम कुछ ये जौ अलग करते हैं बालियों से। और अब मैं थोड़ा आराम करता हूँ क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा लग गई है। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं आया था अपने खेतों की तरफ, क्योंकि अब शाम के टाइम जैसे मैंने आपको बताया हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि शाम के टाइम ही एक ऐसा टाइम है जब ठंडी हवा चलती है। फिलहाल मैं यहाँ पर पानी भर रहा था क्योंकि जो हमारे कीवी के पेड़ हैं वो थोड़ा सूख चुके हैं, तो उनमें पानी डालना है मुझे। हल्के हल्के वो सूखने से लग गए, मुरझाने से लग गए, तो उनकी सिंचाई करनी होगी। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैं थोड़ा घूमने गया था इस वजह से लेट हो गई और अभी घर पहुँचा और देखा तो पानी भी आ रहा है आज, तो ये चीज़ अच्छी हो गई। देखिए मैंने पाइप लगा रखा है और अब थोड़ा पानी भरते हैं। और अब अंधेरा भी हो ही चुका है लगभग, देखिए सनसेट कब का हो चुका था। और अब थोड़ा गर्मियाँ भी बढ़ने लग गए हैं तो थोड़ा टी शर्ट में आ चुका हूँ मैं। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपसे मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।